नमस्कार दोस्तों, नौकरी का यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो फॉर्म निकले हुए हैं। तो ये एक और जॉब निकली है 12वीं बेस पर। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी प्रोफाइल जो है वो आपका काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके फॉर्म भरे शुरू होंगे 3 जुलाई 2018 से। तो जॉब के बारे में बात कर लें, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए जॉब निकली है एयरफोर्स में। मेल कैंडिडेट्स को भर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं है। तो इसकी ये फॉर्म भरे शुरू होंगे 3 जुलाई 2018 से। लास्ट डेट है 24 जुलाई 2018, मतलब 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। जो रिटर्न के लिए आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 13 से 16 सितंबर 2018 तक। एप्लीकेशन फीस इसमें 250 रुपये है सभी के लिए, जिसको आपको ऑनलाइन भरना हुआ कैसे, क्रेडिट कार्ड से भर दीजिए, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या चालान के थ्रू। जॉब की लोकेशन ऑल इंडिया, क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है इंडियन एयरफोर्स की। एज लिमिट, जो कैंडिडेट्स इनको भरेंगे उनकी एज होनी चाहिए 14 जुलाई 1998 से 26 जून 2002 तक। तो नंबर ऑफ पोस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, कितनी पोस्ट हैं वो बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि रिटर्न में उस हिसाब से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जितनी वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से। तो इसमें बताया गया है, वैकेंसीज बताई नहीं गई हैं अभी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ग्रुप एक्स के लिए, जो हमारा टेक्निकल होता है जिसमें हमें एक्स पे अलग से मिलता है, उसका है इंटरमीडिएट पास, मतलब 12th आपके पास होनी चाहिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और आपके पास 50% एग्रीगेट नंबर होने चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए, या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग, कोई भी हो आपके पास मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, किसी से भी हो, ठीक है। और एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 50%। ग्रुप वाई के लिए जो नॉन टेक्निकल में आता है उनके लिए क्या है, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, मतलब 12वीं पास होने चाहिए, और आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 50%, और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए, या कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, हाइट आपकी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब इसमें यह नहीं बताया कि चेस्ट कितनी चाहिए, ओनली एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वेट वो आपका जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है हाइट का एज से, उसके हिसाब से आपका वेट देखा जाएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianairforce.nic.in, उस पर जाके आप भर सकते हैं। लेकिन अभी ये फॉर्म खुले नहीं हैं, इनको आप 3 जुलाई से भर पाएंगे और 24 जुलाई तक इनकी लास्ट डेट है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फोटो अपलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनके बारे में बता दूं। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, जैसे मैट्रिक का या डिप्लोमा या जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आप अपलोड करेंगे, वो क्या है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और फोटो के बारे में बता दूं, जो फोटो आपका होगा पासपोर्ट साइज फोटो होगा, उसमें क्या है, जो आप जो है स्लेट जो होती है उसको पकड़ के जो आपके चेस्ट के आगे रख के उसमें क्या क्या लिखना है, डेट ऑफ फोटो, ठीक है, आपका फ़ोटो कब लिया गया था, और उसके ऊपर नाम, पहले आपका नाम और फिर डेट ऑफ फ़ोटो, ये लिखना है, और उसके बाद आपको वो फ़ोटो अपलोड करना है इसमें, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होते हैं इसमें, एग्जामिनेशन फेज़ 1 फेज़ 2, पहले में क्या होता है आपका रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन जो है वो होता है, उसके बाद मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। फिजिकल आपका जो होता है वो मेडिकल से पहले होता है। तो ये इसको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ इसका। और आपको अगर देखना है, नोटिफिकेशन देखना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये साइट कौन सी है, ये साइट है sarkarieexam.com, अगर आप इसे देखना चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देता हूँ, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, आप इनको अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपने 10+2 कर रखी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना जाने दें, 3 जुलाई से आप इसको फॉर्म भर दें। और जिन मेरे दोस्तों ने पहले फॉर्म भरा था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए एक बार फिर से चांसेस, आपका कॉल लेटर आएगा जो, या अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आपका पहले आया था तो अब की बार भी आएगा, तो आप तैयारी में लग जाइए, उस फॉर्म को जरूर भरिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जॉब्स का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।